तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ज्यादा वक्त यहाँ पर बचा नहीं है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में अब जुट चुकी हैं। देखिए कई राज्य के दल और राष्ट्रीय पार्टियों में गठबंधन भी हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी दल बीजेपी और जेजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन होने पर दो सीटों पर दावा ठोका है। कौन सी वो दो सीट है, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। क्या हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन होगा या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने दो सीटों पर दावा ठोक दिया है। हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पार्टी अपनी तैयारी, दो हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे। सुना आपने, दुष्यंत चौटाला का इशारा साफ है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो जेजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर सकारात्मक बात चल रही है। हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी, और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की दो दौर की चर्चाएं हुई है, आज एनडीए का